गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 14th of September 2023, दिन है थर्सडे। आइए देखते हैं कि कल आफ्टर सीपीआई डॉलर इंडेक्स कैसे बिहेव किया एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल का जो डॉलर इंडेक्स का प्रिंट था वो था 3.7 ईयर ऑन ईयर बेसिस अगेंस्ट द प्रीवियस 3.6, सो दैट इज ऑलरेडी नॉन टू यू, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आफ्टर द डेटा डॉलर इंडेक्स में क्या बिहेव किया, कैसे बिहेव किया, उसको जानने के लिए या देखने के लिए अगर हम ये वाला कैंडल, जब आपका 6 o'clock का जब डॉलर इंडेक्स एक स्विंग मारा था ऑन द हायर साइड 104.97 एंड ऑन द लोअर साइड 104.55, यानी एक साइडवेज इम्पैक्ट देखा गया। दैट बीइंग द केस, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है। अभी डॉलर इंडेक्स है आपका 104.65। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में देखने के लिए यही है कि ऊपर की तरफ आपका 105.30, 105.50 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए गुड रेजिस्टेंस जोन एंड प्राइस एक्शन जो बन रहा है उसके हिसाब से ये जो आपका 12 सितंबर का लो है उसके लो के नीचे हल्का सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा खासा सॉफ्टनेस कब होगा, जब आपका ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा एंड उसके बाद, उस क्लोज के बाद नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू मिलेगा। सो जब तक इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शंस नहीं आता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू मीन, समथिंग लाइक दिस, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल एंड उसके बाद नेक्स्ट डे में भी फॉलो थ्रू चाहिए इसके लो के नीचे, देन ओनली देन हमें कुछ अच्छा खासा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सॉफ्टनेस इन डॉलर इंडेक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉलर रुपी, डॉलर रुपी में पिछले 2-3 दिन से साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। ऑन द हायर साइड 83.03 एंड ऑन द लोअर साइड 82.83 इसके रेंज में ही रुपी बिहेव कर रहा है। दैट बीइंग द केस, अभी मींस हमें एक क्लैरिटी मिसिंग है, मींस प्राइस थोड़ा सा इंतजार, वेट एंड वॉच कर रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करूं के लिए एक ही छोटा सा चीज है, एक छोटा स्मॉल ट्रायंगल टाइप बन रहा है। इस ट्रायंगल को कौन सा डायरेक्शन से ब्रेकआउट करता है, क्या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, हमें देखना पड़ेगा। बट ऑन द हायर साइड 83.20, 83.40 सीम्स टू बी एक्टिंग एज ए मेजर रेजिस्टेंस जोन, जब तक वहां पे इनविजिबल हैंड्स आर देयर। इन ए नटशेल, साइडवेज कंसोलिडेशन बरकरार रहेगा जब तक 82.80 ऑन द लोअर साइड एंड 83.05 ऑन द हायर साइड इस रेंज में ही रहते हैं। सो ये स्मॉलर रेंज विदिन ए बिगर रेंज, हमें और थोड़ा क्लैरिटी चाहिए एज फार एज द डेली प्राइस एक्शन इज कंसर्न्ड। जीबीपी डॉलर कंसोलिडेट कर रहा है एट 1.2494, लोअर लेवल पे 1.2430-50 के बीच में एक सपोर्ट लेके बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है। ऑल्दो इट इज टेकिंग सपोर्ट, इसका रीजन क्या है, पिछले काफी दिनों से सिंस 7th सितंबर ये लो टच कर रहा है फिर ऊपर जाके क्लोज दे रहा है, लेकिन अभी भी पॉजिटिविटी दिख नहीं रहा है। पॉजिटिविटी के लिए प्राइस एक्शंस चाहिए, हायर है हायर ले एंड ऑल्सो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देना चाहिए। GBPINR में भी सिमिलरली आपका लोअर लेवल पे, दैट मीन्स दैट सपोर्ट लेवल 102.50 के आसपास सपोर्ट लेके एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया कल, लेकिन अभी भी ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशंस हुआ है इट इज नॉट सफिशियंट, यानी हमें प्राइस एक्शंस बराबर का चाहिए, हायर हाई हायर लो एंड ऑल्सो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज चाहिए। यूरो डॉलर आज एक क्रूशियल डे है ECB का रेट डिसीजन से आज, ECB का रेट डिसीजन से आज, तो वहां पे क्या होता है थोड़ा सा डेटा को फोकस करना है। इन द मीन टाइम ये लोअर लेवल पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन के बाद अभी भी प्राइस एक्शंस क्लियरिटी नहीं है कि मैं ऊपर जाऊं। एक हल्का सा प्राइस जो है ये जो आपका कल का रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, पहला को क्लू,
सेकेंड क्लू ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे देता है. इन सच ए केस एक अप मूव हम यूरो डॉलर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूरो आइनर पे भी बॉटम मीन सपोर्ट लेवल पे बेस आउट करके ऊपर एक बाउंस बैक किया, बट स्टिल प्राइस एक्शन इज नॉट सफिशियंट टू से कि ये ऊपर की तरफ जाएगा. अभी भी हमें काफी कुछ प्राइस एक्शन चाहिए ताकि ये ऊपर की तरफ जाए. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉर प्राइस एक्शन कि यूरो डॉलर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जीबीपी डॉलर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, डॉलर इंडेक्स इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना चाहिए. तो ऑल दीज आर एट इम्पॉर्टेंट मीन्स डॉलर इंडेक्स एट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, वहां पे वो फेल हो चुका है ऊपर की तरफ जाने के लिए. जब तक ये 105.5070 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं है. दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉर अ डाउनवर्ड मूव. सिमिलरली जीबीपी डॉलर पे ये सपोर्ट लेवल पे 4-5 सेशन से सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है. तो जब तक इसके लो को ब्रेक डाउन नहीं करता है, प्राइस में कंसोलिडेट बिल्ड अप सो that it can make a upward move. Similarly on euro dollar also, मैं क्यों buying के लिए देख रहा हूँ? एक तो है एक अच्छा खासा deep down क्या है from 14th July onwards 1.1250 level से ये आपका एक 1.07 level तक 5.5 biggies का एक straight down move आया है in almost one calendar month. तो उसके बाद यहाँ पे price टाइम पास कर रहे. दिस इज द रीजन आई एम लुकिंग फॉर ए सम कंसोलिडेशन एंड पुल बैक ऑन द हायर साइड. इसको अगर नीचे जाना है यानी आज के इसी भी रेट डिसीजन के बाद अगर यूरो सॉफ्ट होना है तो इसको आपका ये जो कंसोलिडेशन के नीचे जाके क्लोज देना पड़ेगा. होप द क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ यूरो आईएनआर सिमिलरली नीचे की तरफ बाउंस बैक करके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. इट्स नॉट अभी भी क्लैरिटी नहीं है, प्राइस एक्शन चाहिए. डॉलर येन में एक हमें जब हमने एक 11th सितंबर का एक स्पेशल डॉलर येन वर्सेस येन आईएनआर दोनों का एक स्पेशल वीडियो बनाया था जहां पे हमें एक पर्टिकुलर सेटअप के बारे में डिस्कस किया जहां पे अंडर सर्टेन कंडीशंस ये नीचे की तरफ जा सकता है टुवर्ड्स 1.4450 देन 1.4150. लेकिन वो जो कंडीशंस है वो ट्रिगर नहीं किया. अभी क्या क्या कंडीशंस था उसके लिए आपको दोबारा उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं. अभी प्राइस एक्शन और एक नाइस मूव बना रहा है. यहाँ पे ये जो 12 सितंबर का ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है इन सच किस डॉलर इन में अच्छा खासा एक धुलाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. धुलाई का मतलब मीन्स एक अच्छा खासा येन एप्रिसिएशन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट. यानी अभी 12 सितंबर के लो का इंतजार रहेगा. सिमिलरली ऑन येन आईएनआर पे हमारा ये जो 12 सितंबर का एक हाई मारा है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए. देन एंड ओनली देन येन आईएनआर पे एक बिल्डअप हो सकता है. डॉलर कैंडी आपका इस लेवल पे 1.3650 लेवल पे एक फॉल्स ब्रेकआउट करने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है. ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है इसके बाद एक शार्प डाउनफॉल आना चाहिए. यहाँ पे 2-3 बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिया लेकिन कल का जो कैंडल था एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है. स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर पुल मींस अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स द 1.3650, लो के नीचे एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑसी डॉलर 0.6433 ये भी बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है. ये जो प्राइस सेक्शन है ये बेसिकली एक रेंज बना रहा है. ये आपका एक रेंज हो गया. एक सेकेंड. यस, ये रेंज के बाहर ही कुछ स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नीचे जाना है तो इसके लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा. ऊपर आना है तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा. इसके ऊपर भी अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है 0.6550 से 0.6575. सीएनएच अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है. पीबीओसी इज मैन्यूवरिंग द एफएक्स मार्केट मीन्स टू
मीन्स सीएनएच का जो डेप्रिसिएशन है उसको अच्छा खासे से हैंडल कर रहा है। अभी 7.2691 ये ऊपर में गया था, लास्ट फ्राइडे को आपका 7.3650, इसके ऊपर एक अच्छा खासा अप मूव होना चाहिए था, बट पीबीओसी ने अच्छा खासा मीन्स इंटरवीन किया। अभी आते हैं यूएस ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड में आपका है 91.85, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आने वाले दिनों में जब तक इसके लो के नीचे यानी 0.89 के नीचे क्लोज नहीं दे देता है, तब तक हायर पॉसिबिलिटीज है कि ब्रेंट क्रूड में मूव टुवर्ड्स योर 105-106। प्राइस एक्शंस को रेगुलर बेसिस में मॉनिटर करना पड़ेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी कल एक ब्लिप ऊपर की तरफ गया था टुवर्ड्स 4.352, बट फेल टू गिव ए स्ट्रॉन्ग क्लोज एंड नीचे आ चुका है। अभी वही प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन, ज्यादा कुछ नहीं, अभी ज्यादा कुछ यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा एक मेजर मूव के लिए। सिमिलरली ऑन यूएस 2 ईयर ट्रेजरी 4.967 यहाँ पर भी ये ऊपर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक ही चीज है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है एट द इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर देता है तो अच्छा खासा एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द डेंजर एज फार एज द यूएस 2 ईयर ट्रेजरी प्राइस एक्शन चार्ट, डेली चार्ट का जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से। सो एट एनी केस ये 5.0809 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देना चाहिए ऑन ए डेली बेसिस, एल्स समथिंग स्ट्रॉन्ग रेट हाइक रिलेटेड कुछ होने का एक्टिविटीज हो सकता है। बट टिल आरएसआई इज बिलो 60, टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, तब तक सेफ गार्ड है। एंड ऑल्सो 5.0809 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन योर 2 ईयर एंड 10 ईयर इज इनवर्स कर्व का जो डिफरेंस है वो है करीबन 73 बेसिस पॉइंट्स, तो जब तक ये कम है तब तक अच्छा है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, आई एम साइनिंग ऑफ हियर, बाय बाय।